सनु जी, बात करें अगर चने की, तो चना देखने की अक्टूबर वादा आज भी 5200 पर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चने का प्रोडक्शन को लेकर टकरार हो रही है कारोबारियों में, मिलरों में, कि चने का प्रोडक्शन कोई कम तो कोई ज्यादा बता रहा है, और ऊपर से त्योहारी मांग, तो ऐसे में चने की कीमतें आगे तेजी की तरफ रहेंगी या मंदी की तरफ? देखिए, यहाँ पे त्योहारी मांग तो है ही, मगर हमने जो मॉनसून में रिकवरी देखी है उससे ये देखने में आ रहा है कि जो पल्सीज हैं उनका जो सोइंग है वो काफी अच्छी देखने को मिली है, और आगे हमें ये लग रहा है कि जो पैदावार है आने वाली क्रॉप की वो अच्छी हो सकती है। तो बाकी दालों में हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो नो डाउट, क्योंकि भारत में अगर देखें तो इस बार हमने यहाँ पर आयात भी किया है दालों को, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है चने के भावों में हम कुछ नरमी ही देखेंगे, एक्सपेक्टेड है नीचे भाव, एक्सपेक्टेड है कि 5000 रुपए तक लेवल दिखा सकता है, तो चने के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड रखना चाहिए। जी, तो यानी कि चने का प्रोडक्शन ठीक ठाक भी देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से सोइंग भी ठीक ठाक देखने को मिली है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट क्रॉप होगी, जो अगली फसल होगी दाल दलहनों की, उसमें वो भी अच्छी देखने को मिल पाएगी, जिसकी वजह से चने के ऊपर एक बिकवाली का दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है, और अनुज जी के मुताबिक चना नीचे में 5000 तक का लेवल दिखा सकता है, तो बिकवाली करके चने में उनके अनुसार चल सकते हैं।